प्रांगण में, जैसा कि आपने विषय पर पूछा है उसके संबंध में हमारे जिला झज्जर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन जो नशे के खिलाफ एक मुहिम को लेकर जब से झज्जर में तैनात हुए हैं इसको आगे बढ़ाए हुए हैं और यहाँ जो जिला झज्जर के युवा हैं उनसे नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित उनको करते रहे और ये वो प्रेरणा है जिससे एक उज्ज्वल भारत का निर्माण और भारत का जो भविष्य है वो एक निखर कर आएगा। तो उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने गांव कबलाना में नशे के खिलाफ ट्रैफिक रूल्स को लेकर के और साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम को लेकर के हमने आज बच्चों को और यहाँ जो समाज से प्रतिष्ठित लोग आए हैं, आसपास से दुकानदार आए हैं या काफ़ी संख्या में जो लोग आए हैं उनको प्रोत्साहित किया है और उनको एक इससे दूर रहने के लिए प्रेरणा दी। कब तक चलेगा सर ये अभियान? ये जब तक नशा जड़ मूल से खत्म नहीं हो जाता ये अभियान चालू है। शहर के पार्कों में, शमशान घाट में, ऐसी जगह पर देखते हैं शाम के टाइम पे बहुत से इंजेक्शन गिरे हुए मिलते हैं बच्चों को। डिमांड एंड सप्लाई वो एक पहलू है, धीरे धीरे समाज को इस नशे की जो पकड़ है उससे दूर करने के लिए हम लगातार अभियान चलाए हुए हैं और आगे जा रहे हैं। सर कोई टोल फ्री नंबर वगैरह दिया जाएगा जो गुप्त सूचनाएं देश के? इस पे जो हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर कोई भी सूचना दे सकता है जिसका नाम गुप्त रखा जाएगा 8930305020। सर गाँव में भी 8930305020 जी। गाँव में होर्डिंग पोस्टर वगैरह भी लगाए जाएंगे? इसमें हम जो भी हमारे एक प्रचार और प्रसार के माध्यम है सभी के माध्यम से हम सूचित करते हैं। ये सर जैसे अभी इस गांव में हो रहा है सभी गांव में होगा? सभी गांव में पहले भी चलाया गया है और आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू सर।